जो कंबशन है, ये जो कंबशन है इट इज कॉमनली नोन एज बर्निंग। हम आमतौर पर इसको क्या कहते हैं जी, बर्निंग ही कहते हैं ना, बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग होता है बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होती है। इन विच, याद रखिएगा, इन विच वन ऑफ दी प्रोडक्ट, मस्ट बी CO2। वन ऑफ दी प्रोडक्ट्स मस्ट बी CO2। ये किसी भी चीज का बर्न करना, किसी भी सब्सटेंस का बर्न करना, और उसमें कंडीशन है, ये लाजमी है कि कार्बन प्रोडक्ट जितने भी बने, एक दो तीन, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक लाजमी होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हम उसको कंबशन नहीं कहेंगे। तो ये तो कंबशन की बात हुई ना। ये जो कंबशन है ना स्टूडेंट्स, इसके बारे में और भी बातें याद रखिएगा। ये जो कंबशन, ऑल याद रखेंगे, ऑल कंबशंस, जितने भी तरह की कंबशंस होंगी ना, ऑल कंबशंस आर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑल कंबशन आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जितनी भी कंबशंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं आर नॉट कंबशन। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ से क्या मतलब पता चलता है? इसका मतलब पता चलता है कि जो कंबशन है ना, कंबशन ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, और साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक, तो है ये आपने याद रखना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। तो ये एक एक्सो, अब मैंने ये जो बात कही है कि जितनी भी कंबशन हैं वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन तमाम कंबशन ऑक्सीडेशन कंबशन नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए आपको, ये मेरे पास ना, हमारे घर में ये आमतौर पर रिएक्शन होता है, मीथेन का बर्निंग सुई गैस जिसको हम जलाते हैं, ये मैं मीथेन को बर्न करता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसको जब बर्न करूंगा ना, तो ये लिमिटेड अमाउंट में है जी ऑक्सीजन, ये है जी लिमिटेड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन लिया। अब आपको पता है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है ना, तो वो क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर मैं लिमिटेड ले रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन ब्लैक बनेगा और वाटर बनेगा। आप इसको बैलेंस कर लें, बैलेंस करते हो ये 3 मोल हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 4 मोल होंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास देखो, और एक दूसरा ये है कि अगर मैं मीथेन ही लेता हूँ और मीथेन को मैं ऑक्सीजन के 2 मोल्स, यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए 2 लिए, लेकिन ये ऑक्सीजन मेरे पास जो है ना एक्सेस में है, एक्सेस में ऑक्सीजन मैंने लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर साथ बनेगा वाटर। ठीक है, ये बन गया वाटर। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब आप देखें, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या हम ऊपर वाले रिएक्शन को कंबशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। नीचे वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन तो है ही, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो ये कंबशन रिएक्शन भी है, यानी ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये कंबशन रिएक्शन भी है।